सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज शाम 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, वीडियो को पूरा देख करके जाना, स्किप मत करना। एक एक करके हम सभी जानकारियों को आपको देना चाहेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी उन सहायिका बहनों की जिनका आंगनबाड़ी के पद पर प्रमोशन हुआ है। इनके बारे में PFMS पोर्टल से जुड़ी हुई एक बहुत ही अच्छी जानकारी आ रही है, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आंगनबाड़ी बहनों आप भी सुनिएगा, हो सकता है आप में से किसी बहन के वहाँ सहायिका बहन का प्रमोशन हुआ हो तो उनको भी जानकारी आपके थ्रू भी हो जाएगी। प्रेषक में बाल विकास परियोजना जो अधिकारी हैं कासगंज के, उन्होंने लेटर भेजा है जिला कार्यक्रम अधिकारी को और इसमें PFMS पोर्टल पर नव पदोन्नत हुई जो आंगनबाड़ी सहायिका बहनें हैं उनके पदों पर परिवर्तन करने तथा निर्धारित प्रारूप पर सूचना का प्रेषण करने के संबंध में लेटर आया है। यानी PFMS पोर्टल पर उनका अभी तो सहायिका का ही पूरा डेटा फीड है, चूँकि अब वो आंगनबाड़ी बन चुकी हैं तो PFMS पोर्टल पर परिवर्तन किया जाएगा उनके पद का, यानी सहायिका की जगह कार्यकर्ती किया जाएगा। और भी कुछ जानकारियां हैं वो भी उनसे प्रारूप पर मांगी जा रही हैं ताकि उनको भी वहां पर अपडेट किया जा सके और सहायिका बहनों को आंगनबाड़ी बहनों वाला मानदेय मिल पाए। कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या 524 21 जून का लेटर, जिसके पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा आंगनबाड़ी सहायिका से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर पदोन्नत हुई आंगनबाड़ी सहायिका के PFMS पोर्टल पर उस पर पद पर जो है परिवर्तन के निर्देश दिए गए हैं, जिससे पदोन्नत हुई आंगनबाड़ी सहायिका को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पद का मानदेय भुगतान प्राप्त हो सके। उक्त के क्रम में आपके द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप पर सूचना संलग्न करके आपकी सेवा में आवश्यक कार्रवाई के लिए सादर प्रेषित है। एक बढ़िया खुशखबरी है, सहायिका बहनों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का जो पद है अब वो भी PFMS पोर्टल पर सही किया जाएगा और ताकि उनको कार्यकर्ती के बराबर वाला मानदेय का भुगतान किया जा सके। अभी तक हमारी सहायिका बहनें जिनका भी प्रमोशन हुआ है उनको सहायिका वाली ही सैलरी मिल रही है, जबकि कार्य वो कार्यकर्ता वाला कर रही हैं। लेकिन जब ये हो जाएगा PFMS पोर्टल पर तो आप लोगों को फिर जो है कार्यकर्ती के पद वाला मानदेय का भुगतान होगा जितना आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों को मिलता है। आगे भी देखिए कुछ और लिखा है, जैसे कि कार्यकर्ती के पदों पर पदोन्नत हुई आंगनबाड़ी सहायिका के PFMS पोर्टल पर पद परिवर्तन के निर्देश दिए गए हैं, जिससे पदोन्नत हुई आंगनबाड़ी सहायिका को जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पद का मानदेय का भुगतान हो। यानी चीज़ें वही हैं, यहाँ से जो है डबल स्क्रीनशॉट लिए गए हैं और आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छी खबर देखी है जो उत्तर प्रदेश से निकल करके आ रही। फिलहाल प्रारूप पर सूचना भी आई है कि कासगंज जनपद में कौन कौन सी बहनें हैं। श्रीमती शालिनी अग्रवाल हैं और श्रीमती मंजू देवी हैं, श्रीमती सीमा देवी हैं, श्रीमती मीना हैं, श्रीमती कमलेश हैं और विजय वर्मा हैं। ये 6 बहनें हैं जिनका जो है यहाँ पर कह सकते हैं इनकी परियोजना जो कासगंज पड़ती है वहाँ की ये केवल बहनें हैं, परियोजना कासगंज की, तो ये पूरे जनपद की नहीं है, परियोजना है कासगंज, वहाँ की ये बहनें हैं, ध्यान देना इस चीज़ का। योगदान की तिथि भी यहाँ पर इनकी सामने दी गई है 4/3/2024, यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर जब से इनका योगदान हुआ है वो 4 मार्च से हुआ है, ध्यान देना मेरी इस बात का। 4 मार्च यानी मार्च का पैसा, अप्रैल, मई, जून, इन महीनों के जो पैसे हैं उनका कहीं ना कहीं एरियर स्वरूप पैसा आपको देखने को भविष्य में बहनों मिल सकता है। इधर बात करें महेश्वरी जी की जो कासगंज से आती हैं, जिन्होंने प्रसारण के लिए ये जानकारी भेजी थी, बड़ी ही अच्छी जानकारी उन्होंने भेजी। इधर बात करते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो कानपुर नगर के हैं, उन्होंने अपने वहाँ से एक लेटर जारी किया है। लेटर में जो लिखा गया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आच्छादित जो आशा हैं, आंगनबाड़ी हैं एवं निर्माण श्रमिक के लाभार्थी,
इनको 100% आयुष्मान कार्ड से संतृप्त करने के संबंध में लेटर जारी किया गया। यानी सीएमओ कानपुर नगर ने लेटर निकाला है, इसीलिए निकाला है कि आंगनबाड़ी बहने, आशा बहने, इन सब लोगों को जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो आयुष्मान, यानी भारत आयुष्मान कह लो, आयुष्मान कार्ड की मुख्यता बात हो रही है, उनका कार्ड बन जाए, क्योंकि बहुत सी बहनों का अभी भी कार्ड नहीं बन पा रहा है क्योंकि डेटा फीड नहीं है। लिखा है, उपरोक्त विषय के संबंध में 1 जुलाई को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश प्रदान किए गए कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत आच्छादित समस्त आशा बहने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहने और चयनित निर्माण जो है श्रमिक कार्ड धारक के 100% आयुष्मान कार्ड से संतृप्त करने के लिए कार्य योजना बनाकर विशेष अभियान चलाकर अग्रिम 1 सप्ताह के अंदर कार्ड भी बनवाएं। तो आंगनबाड़ी बहनों का मैंने कहा था, बहुत पहले आदेश हुआ था, लेकिन अभी भी बहुत सी बहनों का कार्य इस मामले में छूटा हुआ पड़ा है। चुनाव उनाव हो गए और सब कोई जो महकमा था लगा करके अधिकारियों का और मंत्रियों का, वो सब अपने चुनाव में व्यस्त रहे, इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। दिया गया होता तो आज भी बहुत सी बहनें अपना इलाज कराने को लेकर के परेशान हैं, वो चाहती हैं उनका आयुष्मान कार्ड बन जाए, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक लापरवाही है इन मामलों में कि इतनी देरी हो रही है, जिस वजह से जो है अभी भी कार्ड नहीं बन पाए। उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देश किया जाता है कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में ब्लॉकवार और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रवार कार्यरत अपने समस्त आशा कार्यकर्ती, आपके क्षेत्र में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं चयनित निर्माण श्रमिक कार्ड धारकों के 100% आयुष्मान कार्ड 1 सप्ताह के अंदर बनवा करके अधोहस्ताक्षरी को प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराएं। साथ ही जिन लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए जा सकते हैं उनकी सूचना वांछित प्रारूप पर एक्सेल सीट में अधोहस्ताक्षरी को 1 सप्ताह के अंदर भी उपलब्ध कराएं। यानी जिनके बन जाएंगे उनका भी अवगत कराएंगे, जिनके नहीं बनेंगे तो उनका भी प्रारूप पर भर करके जानकारी को वहां भेजेंगे। एक संलग्नक प्रारूप यानी आया है, जरा देखिए, केंद्र का नाम, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उनका नाम, आधार नंबर, राशन कार्ड का नाम, मोबाइल नंबर, परिवार के सदस्यों में कुल संख्या, कुल कार्ड की संख्या, आयुष्मान कार्ड ना बनने वालों की संख्या और अभियुक्ति। इस तरह से ये कॉलम यहाँ पर सब बनाए जाएंगे और रिपोर्ट वहाँ पर फिर आगे बढ़ाई जाएगी। इधर बात करते हैं, सेहत सुधारने वाला आंगनबाड़ी जो महकमा है वो खुद बीमार है। एक ऐसा जो है आर्टिकल आया है बलरामपुर जनपद में, उदासीनता यहाँ पर बताई जा रही है। निहारिका विश्वकर्मा DPO है बलरामपुर की, आइए देखते हैं पहले इनका इस मामले में क्या कहना। जिले के नगर क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के निजी भवन न होने का मुख्य कारण स्वयं की जमीन न होना, फिर भी विभाग की पूरी कोशिश रही कि बच्चों के शिक्षा और सेहत प्रभावित ना हो और निजी भवन की समस्या से समय समय पर शासन प्रशासन को अवगत कराया जाता रहा है। तो शासन को केवल अवगत करा देने से समस्या समाधान थोड़ी हो जाते हैं, समस्या समाधान तो भवन बनने के बाद ही होंगे, जब बच्चों के यानी बच्चों के सर पर छत मिलेगी। गर्मी तो उन्होंने, तपती धूप तो पूरी निकाल दी, लू तो उन्होंने पूरी निकाल दी, अब आ गई बरसात, छत अभी भी नहीं, क्योंकि 4 दिन में तो हो नहीं जाएगा जब जमीन का ही इंतजाम नहीं कर पा रहा विभाग प्रशासन, और प्रशासन विभाग को केवल अवगत करा देने मात्र से समस्या के समाधान नहीं होते, उसके लिए धरातल पर भौतिक रूप से भी परिवर्तन चाहिए। अब ऐसे में आप देखिएगा, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे अधिकारीगण जो होते हैं विभाग के, उनके वही जो है रटे रटाए कुछ स्टेटमेंट होते हैं, उनको ही मीडिया के सामने रख देते हैं कि शासन प्रशासन को अवगत करा दिया, ये चीज़ें हो गई हैं, हमारे संज्ञान में मामला आ गया है, बस यही सारी चीज़ें हमेशा देखने को मिलती, जबकि उदासीनता खूब होती है। नगर में 48 आंगनबाड़ी केंद्र उधारी के भवन पर चल रहे हैं और 43 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के सहारे संचालित हैं। यानी 43 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के सहारे 48 केंद्र जो है चल रहे हैं, यानी हर केंद्र को अपनी कार्यकर्ता तक नहीं है। अब बताइए, ये तो विभाग प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भर्तियाँ ही नहीं कराई गई। प्रशासन विभाग अपना खुद संज्ञान ले, पहले कब भर्तियां हुई थी तब से अभी तक भर्तियां ही नहीं हो पाई। विभाग कहेगा प्रक्रियाधीन मामला है, तो मामला बस प्रक्रियाधीन ही रहता है। जैसे आंगनबाड़ी का प्रमोशन 2017 में स्टार्ट हुआ था उत्तर प्रदेश में,
2023 जाते जाते पूरा चला गया था, 24 आया तब कहीं जाकर के वो कंप्लीट हो पाया, समझ रहे हैं, और वो भी पूरे पदों पर नहीं। तो ये है आलम, कहां 17 से 23 23 24 24 बीत जाता है, काम नहीं होता, ऐसे ही भर्तियों का है, आई फिर गई, बस यही चीजें चलती रही विभाग में और ऐसे ही कुछ लापरवाही होती रही, बस अवगत अधिकारी कराते रहे और ऐसे सेहत भी सुधरती रही। इधर नौनिहालों का कुपोषण मिटाने वाला बाल विकास और पुष्टाहार विभाग खुद बीमार है। नगर का बाल विकास विभाग कार्यालय खुद किराए के भवन में संचालित है, वहीं नगर में 48 आंगनबाड़ी केंद्र प्राइमरी स्कूलों और मदरसा के उधारी भवन में संचालित हैं। निजी भवन ना होने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को पोषण संबंधी कार्य करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही बच्चों को भी काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। सब होता है, ऐसे ही होता है। अब देखिए, जितना ये आंगनबाड़ी भवन के निर्माण पर लेटर निकालते हैं और ये कार्रवाई करते हैं, भूमि चिन्हित करो लेटर सब होता है, ये सब हो जाए अगर ये पिछले वित्तीय वर्षों के आंगनबाड़ी सेंटर कितने हैंडओवर किए गए हैं बना करके, उस पर भी जांच कर करी जाए तो चीज़ें आसान हो जाएं। जिनके हाथ में आज के सत्र की जिम्मेदारी है वो भी काम करना शुरू कर दें, लेकिन पिछले वाले आकर के मलाई खा करके चले जाते हैं, सब कोई अपना अपना उसमें मानो जैसे मुनाफा बांट लेता हो और आंगनबाड़ी जो सेंटर है वो भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ जाते हैं, फिर उनको साल दर साल बीत जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता है। यही चीज़ें देखने को मिली। शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूल, इन और भी सरकारें ध्यान ढंग से नहीं दे पा रही हैं, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं उदासीनता और लापरवाही, यही देखने को सिर्फ मिलती है। कुपोषण का कलंक मिटाने के लिए निरंतर प्रयास जो है नीति आयोग भले ही कर रहा हो, लेकिन नौनिहालों को कुपोषण से बचाने वाला जो बाल विकास विभाग है वो खुद कुपोषण का शिकार है। बताते चलें कि बलरामपुर शहर में 48 आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किया जा रहा है, इनमें से 16 प्राथमिक विद्यालय मदरसा एवं निजी स्कूलों के भवन में चल रहे। आंगनबाड़ी नौनिहालों को खुद का निजी भवन नसीब नहीं है। बताओ, एक इंसान अपने खुद के घर में रह रहा हो वहाँ वो अच्छा फील करेगा, या किराए के कमरे में रह रहा हो वहाँ अच्छा फील करेगा? दोनों में फर्क होता है। खुद के घर कम से कम नहीं मिल पा रहे हैं। आंगनबाड़ी के 7 केंद्रों के सामान रखने के लिए बलुआ में बना 3 छाजन कमरा, देख लीजिएगा ये हालत है वहाँ की, टूटा फूटा सब दीवालों का, पास में जो है ये बस टीन डाल दी गई ऊपर और बच्चे बैठेंगे। सोचिए इस तपती धूप में टीन के नीचे कितनी गर्मी लगती होगी, सोच के आप देखिए। गर्मियों में जो है जब धूप होती है तो पक्के मकान तक तचते हैं, और ये टीन का तो जो है तचने से तो एक बहुत गहरा रिश्ता है। अब आप समझ लीजिएगा ये हालात यहाँ पर बने हुए हैं। अधिकारी बस आते हैं, स्टेटमेंट बड़े बड़े देते हैं, लेकिन सुधार जनपद में कितना कर पा रहे हैं ये तो तब पता चलेगा जब इनके पिछले कार्यशैलियों को खंगाला जाए, देखा जाए पिछले वित्तीय वर्षों में क्या से क्या इन्होंने बदलाव किए हैं, कहीं एक भी सेंटर हैंडओवर भी हो पाया है या नहीं, और वो कौन से वित्तीय वर्ष का था जो अब हैंडओवर हो रहा है। इन चीज़ों पर संज्ञान लिए जाने चाहिए, तो उस ओर कोई ध्यान नहीं देता। इंसान अपना मकान बनाता है तो एक साल नहीं लगता, वो तैयार कर लेता है, बना करके सब काम रेडी हो जाता, लेकिन ये सरकारी काम ये 3-3, 4-4 साल के भी अगर आप खंगालेंगे तो वित्तीय वर्षों के अधूरे पड़े हैं। क्यों अधूरे पड़े हैं? या तो ठेकेदार मलाई खा करके चले गए या तो कुछ और हुआ, ऐसे चीजें होती नहीं। लेकिन इस काम में विभागीय अधिकारियों ने उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया, उनके ऊपर जांच क्यों नहीं बिठाई गई, सवाल ये उठता है, लेकिन वो कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि मानो जैसे लगता हो कि सब बंदरबांट हो गया हो, इसीलिए हर कोई अपना मुंह पर टेप लगा करके बैठा है। ये कड़वी हकीकत है वहां की। पोषाहार रखने में भी परेशानी हो रही है, जाहिर सी बात है होगी ही, किराए के वहां होगी तब भी टेंशन होगी, और ऐसे टीन के डिब्बे बनाए जाएंगे तो उनमें तो और ज्यादा होगी। ये यहां पर बिश्नीपुर पड़ता है, वहाँ के एक निजी दुकान के साथ मदरसा दारुल उलूम है, वहाँ पर एक एक केंद्र उधारी में चलाने की बात कही जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि करोड़ों रुपया सालाना खर्च करने वाला बाल विकास पुष्टाहार विभाग नौनिहालों को सेहत के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहा है। निजी भवन ना होने से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बच्चों को बैठाने के साथ साथ शासन से प्राप्त पोषाहार और अन्य जो सामान है उनको रखने में भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की माने तो उधारी भवन में नगर क्षेत्र के विद्यालय संचालित हैं, ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्र का उन भवनों में संचालित होने के लिए आए दिन प्रधानाध्यापकों सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के बीच नोक झोंक भी होती रहती है, और
जिसका मुख्य कारण दोनों विभागों का निजी भवन ना होना बताया जा रहा है और ये 100% सत्य है। ये कोई पहली बार के सामने नहीं आया है। आंगनबाड़ी की प्राथमिक विद्यालय वालों के साथ में नोकझोंक आए दिन होती रहती है। प्रदेश में आए दिन जगह जगह ऐसी घटनाएं को जो है सूचित करते हुए ऑल इंडिया को भी जानकारी मिलती रहती है। आवाज खूब उठाई गई, बदलाव नहीं हो पा रहे, क्योंकि जितना जोर शोर से हमारे विभाग में नेता मंत्री या निदेशक यहाँ तक कि आते हैं पदभार संभालने, शुरू शुरू में जितना लेटरबाजी हर कोई करता है, बाद में उतने ही सब ठंडे रहते हैं और उसके बाद में कोई फिर मानो संज्ञान नहीं लेता। वरना चाहे इस विभाग की नसों को खंगालना तो ये बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं। इस विभाग में जो भ्रष्टाचारी का जो एक खून दौड़ रहा है हर एक अधिकारी की रगों में, वो कहीं ना कहीं उसको सफाई की जरूरत है और इसीलिए यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनें शोषित होती हैं। उनके खुद के अधिकारी कभी PLI बनाने के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर ऐसे ही शोषण हो रहा। यहाँ तक कि पहले रिचार्ज करो अपने फोन में अपने पास से पैसे का, बाद में बिल वाउचर दो तब पैसा मिलेगा। CBE गतिविधियां मनाओ फिर भी अपने पैसों से मनाओ, पहले अपना पैसा खर्चा करो उसके बाद बिल वाउचर दो फिर विभाग आपको देगा। ऐसे एक काम नहीं है, ऐसे कई काम हैं जो कार्यकर्ताओं के पैसों से ही विभाग करवा रहा, जो कि आप समझ रहे हैं किस लेवल पर फिर वो किए जाएंगे। कई बहनें नाराज होकर के उन कामों को ठीक से नहीं भी करती और वो क्या करें, जो पैसा खपा चुकी हैं विभाग उनको समय पर वो पे नहीं कर पाता। अब ये कुछ चीजें हैं जो आपके सामने हैं। बाल विकास परियोजना के जर्जर भवन का एक और ये आप आलम देखिएगा। फतेहपुर जनपद का मामला, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला। जान जोखिम में डालकर यहाँ पर काम हो रहे हैं, जर्जर अवस्थाएं ये आप देखेगा, फोटो से ही सारी आपको बयां होती दिख जाएंगी। कितना ज़्यादा जर्जर है ये सेंटर, ये पड़ता है हथगाम में, बाल विकास परियोजना दफ्तर की एक ये दशा है और इधर विजयीपुर ब्लॉक में जर्जर भवन में संचालित कार्यालय एक इसकी भी दशा है। यानी आंगनबाड़ी सेंटर तो दूर की बात है, जहां पर सुपरवाइजर CDPO लोग बैठते हैं, यानी विभाग के जो अधिकारी हैं जो बैठते हैं, उनको खुद का अपना जो है कार्यालय नसीब नहीं है। ये आलम है हमारे जो है इस बाल विकास विभाग में इन जो है कामों को लेकर के। आप सोचिएगा, खुद के कार्यालय इन अधिकारियों के नहीं हैं, ये खुद किराए के भवनों में और इधर उधर अपना बुरिया बिस्तर लेकर के बेचारे चलते फिरते नजर आते हैं। आप खुद से जानती होंगी, बहुत सी बहनें आपके क्षेत्रों में कार्यालय आज यहाँ था, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, ऐसे ही वो बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि खुद का भवन ही नहीं है, इधर उधर किराए पर सब चल रहा है। इधर बारिश में पॉलीथीन जो है यहाँ पर बताया जा रहा है बनी सहायक, एक और आर्टिकल इसमें हथगांव से ही जुड़ा हुआ कुछ सामने देखने को मिला है। फिलहाल जर्जर भवन में खराब हो जो है रहा पुष्टाहार तो खराब हो ही जाएगा भैया। जर्जर अवस्थाओं में कहीं कुछ टपक रहा है, कहीं कुछ है, खाने पीने का सामान वहाँ रखोगे तो जाहिर सी बात है वो खराब ही होगा। और गुटैया खेड़ा आंगनबाड़ी केंद्र भी जर्जर है, वहाँ के बारे में भी लिखा गया है। ऐसे कई जगह का आलम है, मैं क्या बताऊँ। कोई एक जगह की समस्या हो तो उसी को लेकर के मैं आवाज़ उठाऊँ, लेकिन ये समस्या पूरे प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की है, और उत्तर प्रदेश ही नहीं तमाम राज्यों में ये देखने को मिलेगा। खुद के भवन नहीं है और ना कोई ढंग से ध्यान हो रहा है। कौन से वित्तीय वर्षों में कितनों का लक्ष्य मिला था, निदेशालय में बैठे उच्चाधिकारी इस बात को जांच भी नहीं करवा पा रहे हैं या उस जांच को लेकर के अग्रिम कार्रवाइयां नहीं कर रहे हैं, ऐसी जानकारियां देखने को मिलती रहती हैं। आप लोगों के कुछ विचार हों इस मामले में तो कमेंट में जरूर दीजिए।